लोक जनशक्ति पार्टी के अंदर घमासान की स्थिति है। रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान ने आज LJP राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई। इस बैठक से पहले चिराग अपनी मां के साथ नजर आए। भावुक होते हुए चिराग ने कहा कि मां के आशीर्वाद से वो इस संकट से उभरेंगे। चिराग ने यह भी कहा कि जब घर और पार्टी में बगावत हो रही है, ऐसे समय में उनकी मां उनके साथ ढाल बनकर खड़ी हैं। जैसा मैंने कहा कि मेरा ढाल सिर्फ एक है, मेरी मां, उनका आशीर्वाद। तो आज इस यात्रा की घोषणा की शुरुआत इनके आशीर्वाद से मैं कर रहा हूँ। तो चाचा के अलग गुट बनाने के बाद आज चिराग पासवान ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई। इसमें कई प्रस्ताव पास किए गए। प्रस्ताव में रामविलास पासवान के लिए भारत रत्न की मांग की गई। दिल्ली में हुई बैठक में पारित प्रस्ताव में पारस गुट के उस दावे को खारिज किया गया जिसमें पशुपति पारस राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। आज की बैठक में कार्यकारिणी के सदस्यों को चिराग ने एकजुट रहने की शपथ दिलाई। आपको बता दें कि इस बैठक में रामविलास पासवान जिंदाबाद के नारे भी लगते रहे। चिराग ने आज ऐलान किया कि वो बिहार में आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत करेंगे। माना यही जा रहा है कि रामविलास पासवान की जन्मतिथि 5 जुलाई को इस यात्रा की शुरुआत हो सकती है। चिराग हाजीपुर से इस यात्रा की शुरुआत करेंगे जहां से उनके चाचा पशुपति पारस सांसद हैं। आज की बैठक और आगे की रणनीति को लेकर चिराग पासवान से ABP न्यूज संवाददाता प्रशांत ने बात की। आपको सुनाते हैं कि पार्टी में बगावत के बाद क्या है चिराग का फ्यूचर प्लान। क्या फैसला लिया गया है? 5 प्रस्ताव राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 5 प्रस्ताव पारित किए गए हैं, जिसमें मुख्य प्रस्ताव जिस तरीके से निष्कासित नेताओं ने पार्टी को धोखा देने का काम किया और उन्होंने स्वतः अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित करने का काम किया, जिन्होंने हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के सिद्धांतों को, उनके सपनों को, उनकी नीतियों को ठोकर मारने का काम किया, ऐसे नेताओं के प्रति घोर निंदा समिति के सदस्यों द्वारा जाहिर की गई है। इस बात की उन्होंने विरोध दर्ज कराया है कि जिस तरीके से ये लोग एक तरफ तो उनके प्रति जाकर नतमस्तक होते हैं जिन्होंने हमारे नेता को अपमानित करने का काम किया, और दूसरी तरफ हमारे पार्टी का ही नाम, हमारे नेता की बनाई हुई पार्टी का नाम, उनके सिंबल को इस्तेमाल करने का काम करते हैं। तो पहले एक प्रस्ताव में इसकी निंदा की गई, इनका विरोध किया गया। दूसरा, हम लोगों ने मांग की है केंद्र सरकार से, इस बात की हम लोगों ने मांग की है कि हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के 50 साल के सक्रिय और बेदाग जीवन को देखते हुए और जिस तरीके से उन्होंने राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दिया है, उसके लिए भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया जाए। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।